नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल लाइफ टेक्निशियन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, रेलवे में जो पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली हैं उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो पूरा जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में, आप लास्ट तक देखें, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी है, कितनी पोस्टें हैं, कैसे इसको जो है फॉर्म फिल करना है, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और उसके साथ साथ जो है ये जो है हम बात करते हैं, आपको सभी को मालूम चल गया होगा, आपने चेक भी कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, तो फिर भी मैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग डेट इसका 4 तारीख से था, 4/3/2019 से, तो फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है 2 तारीख है, 2/4/2019 को, ठीक है। उसके साथ साथ जो है लास्ट फाइनल जो है एप्लीकेशन का जो है वो 7 तारीख को है। तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें कि फॉर्म फिल कर दें ताकि आप लेट ना हो और बाकी चीज़ों से परेशानियों से आप बच सकें। ऑनलाइन जो है इसमें आपको एक पेमेंट का ऑप्शन है और उसके साथ साथ जो है ऑफलाइन का भी पेमेंट का ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको, लेकिन आपको ऑनलाइन कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो जनरल कैटेगरी का और इसमें 500 रुपये है और ST SC का जो है 250 रुपये के समथिंग है, तो वो जो है आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है पोस्टों की बात कर लें, कौन कौन से जो हैं मेन मेन पोस्ट जो है हम इसमें बात करेंगे। जैसे कि पैरामेडिकल से रिलेटेड स्टाफ नर्स हैं, उसमें भी 1100 पोस्ट सबसे ज़्यादा उसी का है। इसके साथ साथ डाइट्रिशियन का भी पोस्ट है और लैब असिस्टेंट का जो है इसमें 82 पोस्ट हैं लैब असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन ये है लैब असिस्टेंट के लिए 10th 12th पास, उसके साथ साथ आपको जो है DMLT जो है डिप्लोमा होना कंपलसरी है। और जो आपका हम बात कर लेते हैं फार्मेसी जो है, और फार्मेसी के लिए भी पोस्ट हैं, तो उसमें जो है 277 पोस्ट हैं और लैब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है ग्रेड 3rd, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 25 पोस्ट हैं, इसमें आपको BSc माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट हैं उसमें BSc होना है, मतलब डिग्री कोर्स होना कंपलसरी है, उसके साथ साथ DMLT, ठीक है, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, तो वो कोर्स जो है आपका होना ज़रूरी है। तो सैलरी की यदि हम बात करें लैब सुपरिटेंडेंट का, तो है तो वो जो है 35,400 है, और उसके बाद जो है लैब असिस्टेंट की पोस्ट है तो उसमें 21,700, मतलब 20,000 से ऊपर ही सैलरी सब में है। डाइटिशियन स्टाफ नर्स की बात कर लें तो वो 40-44 हज़ार रुपये पहुँच जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन है तो 20 पोस्ट है उसके लिए, रेडियोग्राफर है तो उसमें जो है 61 पोस्ट हैं, तो रेडियोग्राफर का भी 29,000 के समथिंग सैलरी है इसमें। ECG टेक्नीशियन है, ठीक है, तो उसमें जो है 23 पोस्ट हैं और उसमें भी अच्छी सैलरी है 25,000। और इस तरीके से जो है ये सब जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप पूरा नोटिफिकेशन उसको अच्छे से रीड कर लें। इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल आप उसमें पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा जो है आसानी होगा। फॉर्म भरने से पहले आप आराम से उसको पढ़ें, समझें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और दूसरा चीज़, जिसका कंप्लीट हो चुका है वही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है जो कॉपी उसमें स्कैन मांगेगा वो चीज़ आपको स्कैन करना है, फ़ोटो जो स्कैन मांगेगा वो फ़ोटो आपको स्कैन करना है, वही फ़ोटो आपको रखना भी है दूसरी कॉपी, ठीक है, क्योंकि वेरीफिकेशन के समय वो चीज़ आपको काम आएगा। और दूसरा चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ब्लैक पेन का यूज करना है किसी भी चीज़ में, चाहे आप सिग्नेचर करें चाहे आप किसी भी चीज़ को फॉर्म फिल करते हैं। उसके साथ साथ जो है जो आपका नाम होता है, नाम जो है जो मार्कशीट में है वही नाम आपको इसमें फिल करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन में वो चीज़ जो है देखा जाता है। यदि नाम अलग है और डेट ऑफ बर्थ जो है सेम होना चाहिए जो आपके मार्कशीट में है या बर्थ सर्टिफिकेट में है, तो वो भी चीज़ सेम होना चाहिए आपका। तो फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, विशेष तौर पर कोई भी गलती ना करें, ताकि आप जो है बाद में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वो चीज़ आपको जो है परेशान ना करें। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें माइनस मार्क है, इसलिए जो है जो सवाल आपको क्वेश्चन आता है वही चीज़ आपको करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और दूसरा ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम इसका, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का डेट जो है क्लियर नहीं हुआ है, तो 1st वीक जून का बोला गया है, तो जून के 1st वीक तक जो है इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो अभी समय है तैयारी करने का, आप आराम से जो है तैयारी इसका कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके साथ साथ ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम भी है, कॉल लेटर भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, और उसके बाद जो है कहाँ आपको दिया गया है सेंटर वो भी जो है आपको फिल करोगे तो उस समय वो दे देंगे आपको, ठीक है। एज लिमिट जो है इसमें 18 साल से जो है 33 वर्ष तक दिया है, और कुछ छूट भी दिया है कुछ लोगों के लिए, तो वो डिटेल आप पढ़ लेना किनको किनको छूट मिल रहा है, ठीक है। और पूरे इंडिया, ऑल इंडिया के किसी भी राज्य से हैं आप, सभी जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जगह भी इसमें दिया हुआ है कहाँ कहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं,
तो उसका जो है लिंक भी दिया हुआ है उसमें, आपने चेक कर लिया होगा शायद, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं, भोपाल, अहमदाबाद, ठीक है, तो ये जगह हैं, अजमेर, इलाहाबाद हो गया, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, इस तरीके से कोलकाता, मुंबई, ये जितने भी जगह हैं, ठीक है, पटना, रांची, तो इन सब जगह से जो है आप, तिरुवनंतपुरम भी है तो, और बाकी जगह भी हैं, तो वहाँ से आप क्लिक करोगे तो उस जगह पे कितने पोस्ट हैं आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म आप भरने का प्रोसीजर क्या है, आप लिंक पे जाना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे जाना, आपको जहाँ से फॉर्म फिल करना है उस जगह पे क्लिक करना, उसके वेबसाइट पे, वहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, फिर उसमें आप फॉर्म फिल करोगे, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करोगे, ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप एप्लीकेशन, यदि आपको नहीं आता है तो आप फॉर्म ना भरें, आप ऑनलाइन जाएँ, ठीक है, कैफ़े में जा करके वहाँ से जो है आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और ध्यान रखें, नाम स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लें, यदि वो फॉर्म भरते हैं तो आपको भी चेक करना है कि नाम की स्पेलिंग कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो वो चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, नहीं तो बाद में जा करके वो चीज़ आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, और ये हो गया, उसके बाद जो है हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपका, जो आप जिस फील्ड से हैं, ठीक है, जो प्रोफेशन है आपका, तो उसकी जो है 70 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन आएंगे, और सारे सब्जेक्ट से आएंगे, और कोई टॉपिक्स ऐसा दिया नहीं है, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, मैंने लैब टेक्नीशियन वालों के लिए डालकर दिया हुआ है, आप पूरा जो है डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, वहाँ भी आप सिलेबस देख सकते हैं अपने अपने फील्ड का, प्रोफेशन का, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें, तो 70 मार्क्स आपके ही कोर्स में से आएगा, तो वो ये अच्छी बात है, तो आप मन लगा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उसमें जो भी। और बुक्स की बात कर लेते हैं, बुक्स जो है आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जा कर के वो वीडियो देखें, कौन कौन सी बुक है तैयारी करने के लिए, कौन सी बुक जो है सूटेबल रहेगा, वो बुक जा कर के आप परचेस करें, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं लिंक पे जा कर के, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं, तो वो बुक जो है आपके लिए काफ़ी है, वही बुक आप पढ़ें। इसके साथ साथ जो है 30 मार्क्स के जो हैं अलग अलग, जैसे जनरल अवेयरनेस और जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और उसके साथ साथ जनरल साइंस, ठीक है, 10-10 नंबर के आएंगे, तो उसके लिए भी बुक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो बुक आप ले सकते हैं। तो 30 मार्क्स के ये हो गए, 70 वो हो गए, टोटल हो गए 100 मार्क्स। और याद रखें, माइनस मार्किंग है, इसलिए जो आपको आता है वही आपको क्लिक करना है, नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है, नहीं तो माइनस मार्किंग है आपके जो है, माइनस मार्किंग चला जाएगा इसलिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, तो याद रहे आपको, फिर से आपको मैं बता दूं, जिसका भी कंप्लीट हो चुका है वो आप फॉर्म फिल कर दें, और उसके साथ साथ जो है आपको मेहनत भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल यदि कुछ छूट जाता है इस वीडियो में, मैं नहीं बता पाया, तो वो आप सवाल करें मेरे को कमेंट्स पे, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा सभी का। और इसके साथ साथ जो है जो जानकारी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लें, पूरा पढ़ें अच्छे से, इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में रहेगा, और वो इंग्लिश जो है आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और उसका सही आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो आप मेरे को बताएं, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करके दूंगा। और आप कोशिश करें कि खुद से जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, ध्यान से आराम से पढ़ें, आपके पास टाइम है, आराम से पढ़ करके एक एक बात समझ करके आपको जो है फॉर्म फिल करना है, ताकि बाद में जा करके आपको परेशानी ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखें, नाम का, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको जो है वो चीज़ें बाद में परेशानी ना हो। और मैंने बार बार बोला है कि ब्लैक पेन का यूज करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो ब्लैक पेन जो है आप यूज करें, सिग्नेचर के लिए सेम सिग्नेचर आपका फॉर्म फिल करते समय, स्कैन करते समय, और वेरिफिकेशन के टाइम, चाहे एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो सेम सिग्नेचर, वहाँ पर भी वही सिग्नेचर आपको करना है। और फ़ोटो ध्यान रहे, जो आप फ़ोटो लगाते हैं वो फ़ोटो संभाल कर रखना है, उसकी कॉपी, वही फ़ोटो जो है वहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे और एग्ज़ाम के टाइम पे भी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ें जो है आप डिटेल देख लें, पूरा चीज़ जो है मैं बता नहीं पाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आप पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको देकर रखा है, आप PDF डाउनलोड करें, उसको पढ़ें अच्छे से ध्यान से घर में, उसके बाद जो है फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी जो है जानकारी मिल सके। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल लैब टेक्नीशियन अड्डा की तरफ से, आपको शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम दें, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर लग जाता है तो अच्छी बात है।
ठीक है, और सैलरी भी अच्छी है, तो आप जो है लगन से मेहनत करें, जो पढ़ाई आपने किया है तो उसके लिए जो है इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ऐसे और भी वैकेंसी आती रहेंगी, तो इसमें जो है आप हार ना माने। यदि एक बार सिलेक्शन नहीं होता है, कई लोग होते हैं एग्ज़ाम दे करके बैठ गए, तो उसके बाद दोबारा से तैयारी करें आप उसके लिए, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आगे भी मेहनत करें, ऐसी वैकेंसियां जो है आती रहेंगी, चाहे रेलवे में हो, चाहे आपके स्टेट लेवल पे हो, हॉस्पिटल में, ऐसे पैरामेडिकल से फील्ड से बहुत सारे ऐसे जो है वैकेंसियां आती हैं, सैलरी भी अच्छे मिलते हैं। उसके साथ साथ यदि आप जो है प्राइवेट कर रहे हैं तो वो भी आप करें, क्योंकि नॉलेज जो है और एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। कई जगह पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कहीं पर नहीं मांगा जाता है, तो वो अच्छी बात है अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें, और बाकी जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं तो प्राइवेट में जो हमारा एक्सपीरियंस होता है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें और लाइक भी कर दें, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके मेरे को बताएं।